नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं वी न्यूज। यूं तो विज्ञान पर आस्था कहीं भी भारी पड़ जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखे तो आस्था कहीं दिखता नहीं है। लेकिन हमारे भारत जैसे देश में आस्था से बड़ा कुछ नहीं होता है। आस्था के आगे लोग अपना नतमस्तक झुका देते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी मंदिर पर ले जाने वाले हैं जहाँ पर लोग आस्था के आगे विज्ञान झूठा हो जाता है। उस अंगार जलती हुई अंगार पर जहाँ लोग अपने पाँव से चलकर जाते हैं और आते हुए कुछ भी नहीं होता है, और यहाँ तक बताया जाता है कि जिन पे भूत प्रेत की साया होती है वो दूर हो जाते हैं और आत्माओं से लोगों को राहत मिलती है। यूं तो कहा जाता है कि आत्मा नाम की चीज नहीं होती है, लोगों पे कोई भूत प्रेत की साया नहीं। और साइंस के माने तो साइंस कहता है कि एक दिमागी डिफेक्ट होता है कि लोगों को पागल जैसे बिहेव करने लगते हैं। लेकिन वही पूजा पाठ और आस्था की माने तो भूत प्रेत की साया को जैसे लोगों की दिमाग उधर से उधर हो जाती है। तो आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही मंदिर पर जहां पर आप देख पाएंगे कि लोग जलते हुए अंगारों पर कैसे चल रहे हैं और उनकी जो भूत प्रेत की आत्माओं से पीड़ित है उन्हें किस तरह से मुक्ति मिलती है। जी, मैं बात कर रहा हूँ देवरिया जनपद के बड़की माई स्थान जहाँ देवरिया मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित बोहरवा गाँव में स्थित है। इसी बड़की माई स्थान पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं, लड़कियों, बच्चे जो भी भूत प्रेत से पीड़ित हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि माता के आशीर्वाद से लोगों की कष्ट दूर होती है, इसीलिए यहाँ पर इतना भीड़ लगता है। लगातार दूसरे वर्ष भी यहाँ पर लोग आते रहे हैं और धीरे धीरे अब यहाँ पे लोगों की जनसंख्या है कि जो बढ़ती जा रही है। आस्था के आगे सब कुछ फेल होता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अंगार में कूद जा रही है, छोटे छोटे बच्चे महिलाएं अंगार में जलती हुई अंगारों में कूद जा रही है, यहाँ तक उनके पैरों में छाले तक नहीं पड़ रहे हैं। तो क्या कहा जाएगा, यहाँ पर विज्ञान तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस आस्था की वजह से लोगों में भूत प्रेत को लेकर ज्यादा बढ़ावा बढ़ जाती है। और इसी वजह से यहाँ पर कहा जाता है कि भूत प्रेत से मुक्ति मिलती है और लोगों की कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं उससे भी लोगों को यहाँ पर मुक्ति मिलता है। तो आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। आज के इस वैज्ञानिक युग में, कहा जाता है वैज्ञानिक युग में ये यंत्रों का युग है, लेकिन आज भी आध्यात्मिक का सबसे बड़ा भूमिका निभाया जाता है इस कलयुग में। आध्यात्मिक से जुड़े पहले ऋषि मुनि आत्माओं से बात करते थे और यहाँ से अपने मानसिक तरंगों द्वारा दूर दराज से जाके और यात्रा करके चले आते थे। ऐसी बात आपने किताबों में सुना होगा और इतिहास में पढ़ने को मिला होगा, लेकिन ऐसी एक साक्षात्कार, एक ऐतिहासिक चीज मैं आपको सामने लाने जा रहा हूँ। देवरिया से, मुख्यालय देवरिया से 6 किलोमीटर दूर बहोरवा गाँव में एक बड़ी माई के नाम से एक स्थान स्थापित हुआ है, जहाँ 2 सालों के अंतराल में हजारों भक्त अपनी पीड़ा से मुक्त होकर और माँ का जयघोष लगाते हुए यहाँ गए हुए हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ कहा जाता है ना डॉक्टर की जरूरत है, ना वैद्य हकीम की जरूरत है, वहाँ तो माता ही माँ के दरबार में वही डॉक्टर और वैद्य हकीम बन के बैठी हुई है। यहाँ के जो आने वाले भक्त हैं वो उस पीड़ा को बताते हैं और उनकी समस्या यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। ऐसे में मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से आपको मिलाऊंगा जो यहाँ आते हैं और माँ के दरबार में अपना गुहार लगाते हैं और ये अपनी सारी समस्या का निदान पाते हैं। जहाँ यहाँ के पुजारी हैं उन्होंने बताया, इसके पहले मैं खंड ज्योतिया, पंडित ज्योतिया जाते थे और वहाँ बड़की माई का दर्शन करके वहाँ माता का गुहार लगा के लोगों की समस्या को मैं देखता और सुनता और जानता था और बताता था। आज वो माँ को यहाँ बुलाए हैं और यहाँ स्थापना किए, 2 साल हो गए, 2 सालों में हजारों लोगों का कल्याण हुआ है। आगे देखिए इस रिपोर्ट को। कहाँ के रहने वाली हैं? यहीं के रहने वाली हैं, बोरवा गांव। आप सुना हो जमीन माता के नाम से आपने दान दिया है, क्यों दिया है, क्या कारण रहा? सब माता का जमीन है, ये दान क्या दिया है, जब माता ही सब कुछ है। हमारा एक बच्चा था, बीमार था, ठीक हुआ, माँ खुश हुई, यहाँ पर आई है, हमको बहुत लाभ है। क्या लाभ हुआ है आपको? अब माता का लाभ कुछ बताने के लिए क्या क्या लाभ आपको बताए, हम बहुत लाभ हुआ है। कब से आप जुड़ी हैं माता के आस्था के साथ? 4 साल से। 4 साल से। ये जमीन आपने जब दिया माता को, उसके पहले आपके साथ क्या समस्या होती थी? हमारा एक बच्चा था, बीमार था, हम लोग पंडित ज्योतिया जाते थे, वहाँ पर बच्चा हमारा ठीक हुआ, माँ हमारी कराई और हमारे महाराज जी के साथ आई।
और क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों से कि संदेश क्या देना चाहेंगे? और जो परेशान लोग हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं, यहाँ पर जो लोग दुखी हैं वो माँ के दरबार में आते हैं, ठीक हो जाते हैं, उनकी कृपा है। शंभू शर्मा। कहाँ से आए हैं? मड़कड़ा से। कितने दिनों से आ रहे हैं? अभी तीसरा चौथा हफ्ता चल रहा है। अच्छा, क्या समस्या थी आपके साथ आप आ रहे हैं? हमारी समस्या शरीर के लिए। क्या थी? ऐसे दिया हुआ है सर। हाँ, तो इससे क्या लाभ हो रहा है आपको? अब लाभ भगवान देने, सब माता दे जाने। क्या हो रहा है, काला ला पड़ रहा है, बताओ। हाँ, कुछ काला तो है, बाकी अभी चार दिन में। देवेंद्र कुमार गौतम। कहाँ से आए हैं? मैं आनंद नगर देवरिया के रहने वाला हूँ। यहाँ आप किस जगह पे आए हुए हैं? जी सर, माता के दरबार में मैं आया हूँ। हाँ। और मुझे कुछ ऐसा लगानी चीज करवा दिया गया था, इसके वजह मैं 10 साल पहले से बहुत परेशान था। और सर, मेरे दोस्त से यहाँ पे आने का जगह का नाम पता मिला, मैं यहाँ पर आया और आने के बाद हमको लगभग 90% हम एकदम आराम है। यहाँ से आए हुए हैं? जी, आनंद नगर से आए हैं। किस जगह पे आया? जी, माता जी के दरबार में, बहुरवा गांव में है। किस माता का दरबार है? बहुरवा माता, बड़की माता का दरबार है जी। यहाँ कहाँ आई हैं और क्या समस्या है आपका? माई के दरबार में आए, मेरे हस्बैंड की तरफ से। माई के दरबार में आने के दरबार। कहाँ से आई हैं आप? सलेमपुर से। सलेमपुर से। कितने दिनों से आती हैं? यहाँ आने से क्या लाभ मिला आपको? हमारे घर के सभी लोग ठीक रहते हैं माता के दरबार में आने से। क्या नाम है आपका? जी महाराज जी, आप कब से यहाँ माँ का सेवा कर रहे हैं और कितने भक्तों का कल्याण हुआ? यहाँ तो मैं 2 साल से माता जी का सेवा कर रहा हूँ। इसके पहले मैं पंडित ज्योतिया जाता था, मेरे ऊपर भी शैतानी हरकत थी, वहाँ ही जाकर मैं ठीक हुआ। उसके बाद माता जी अपने मन खुश हुई और बोली मैं तुम्हारे गाँव चलूंगा। माता जी आई, उसके बाद यहाँ आने के बाद अनगिनत हजारों से ऊपर लोग ठीक होकर चले गए हैं। अभी कुछ लोग पीड़ित हैं, वो भी लोग जैसे भक्ति करेंगे वैसे ठीक होंगे। माता रानी की कृपा उन पर लगी रहेगी, वो ठीक हो जाएंगे। यहाँ देखने को मिला है कि ऑटोमेटिक लोग यहाँ खेलना शुरू कर दे रहे हैं और उनकी समस्या कैसे हल हो रहा है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ माता जी की कृपा से ही सारे लोग खेलते हैं। माता जी की भक्ति जैसे करते हैं वैसे माता जी खुद खिलाती हैं। जैसे जैसे माता जी का कृपा, उन लोग की भक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे माता जी की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।